की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। हाँ पिताश्री, आज देव ने मुझे दया, परोपकार, विनम्रता और निडरता जैसी कई बातों को सिखाया। निडरता और परोपकार की भावना तो इनमें कूट कूट कर भरी है, लेकिन दया और विनम्रता मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या मैं दयावान नहीं हूँ और मुझ में विनम्रता भी नहीं है? मैंने कब कहा? किंतु नहीं गुरुदेव, निसंदेह मेरे सखी में बहुत दया है। अपनी चिंता को छोड़कर आज उसने मुझे बचाया। देवयानी एक बहुत अच्छी कन्या है, सर्वश्रेष्ठ भार्गवी। इनके जन्म से लेकर अब तक दैत्य साम्राज्य का मात्र विकास ही हुआ है, विजय ही मिली। स्वामी आपका रथ तैयार है। गुरुदेव अब हमें चलने की आज्ञा। सर जय भवा। अपना ध्यान रखना पुत्री। देवयानी जिस तरह गुरुदेव दैत्य साम्राज्य के कवच, उसी तरह आज आपने राजकुमारी की जान बचाकर यह सिद्ध किया है कि तुम गुरुदेव की सच्ची संतान। अपना ध्यान रखना पुत्री। जी महाराज। ये अच्छे हैं हमारे गुरुदेव और महाराज। और उनकी पुत्रियों में भी तो ऐसी ही मित्रता है जैसे कि उनमें। और पता है हमारे अदरक और हल्दी के बीज भी अंकुरित हो गए हैं। और सूरन भी कितने बड़े हो गए हैं ना। अब हम गुरुदेव को ये सारी तरकारियाँ देंगे और ये लौकी भी उन्हें देंगे। अब चलो अपने अपने घर, शीघ्र भोजन करके सोना भी है, रात उठना भी होगा। परोपकार और दया की भावना अच्छी होती है, किंतु किसी की उपेक्षा करके नहीं। मैंने किसकी उपेक्षा की पिताश्री? स्वयं की। अपने भीतर भी एक आत्मा होती है जो उस परमात्मा का अंश होती है, उसका ध्यान रखना भी स्वयं का कर्तव्य होता है। हमें अच्छा लगता है सुनकर कि आप परोपकारी हैं, भावना में बह जाने वाली, किंतु इतनी भावनात्मक होना ठीक नहीं है। मैं आपका पिता हूँ, मैं संसार की कामना करते ये भी चाहता हूँ कि मेरी देह का जीवन समृद्ध हो, सुंदर हो। आप अपनी सोच को थोड़ा सीमित करें और अपनी कल्पना को थोड़ा समृद्ध करें। ओ पिताश्री, आपकी देव के लिए आप हो ना? नहीं पुत्री, मैं तुम्हारे बचपन के लिए हूँ, किशोरावस्था के लिए नहीं। तुम्हारी युक्ति होते ही मैं बूढ़ा होने लगूंगा, स्वयं मैं किन्हीं युवा हाथों का दया पात्र बन जाऊंगा। इसीलिए मेरे भविष्य की अवस्था का ध्यान रखते हुए तुम्हें स्वयं के लिए अभी से सजग हो जाना चाहिए। चलो अब मैं हो गई सजग। मुझे आज आपसे कुछ दूसरी बातें जाननी है और आपने मुझे स्वयं में ही उलझा दिया। पूछो तुम्हें क्या जानना है? पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई, उसके भाग इत्यादि इत्यादि। इतने गूढ़ प्रश्न। तो सुनो,
हमारी पृथ्वी एक सहस्त्र योजन के व्यास का एक खंड है जो 3/4 जल से अवृत है। इसके 7 खंड हैं, जम्बू, पलक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। इस 7 खंडों का नाम मनु के श्रेष्ठ पुत्र प्रियव्रत ने दिया था। और उनके राजा कौन है? मनु ने अपने 7 पुत्रों अग्निद्र, इद्मजीवा, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा वीतिहोत्र को इनका राज्य सौंप दिया। इस समय पृथ्वी का सबसे बड़ा राज कौन सा है? वैवस्वत मन्वंतर में आज पृथ्वी का सबसे विशाल साम्राज्य है प्रतिष्ठानपुर, जिसके महाराज हैं नहुष। नहुष ने अपनी महानता से इंद्र जैसा सम्मान प्राप्त कर लिया है। महाराज विश्वपर्वा का राज्य प्रतिष्ठानपुर से छोटा है? नहीं पुत्री, दैत्य साम्राज्य देवलोक से भी अधिक प्रतिष्ठित है। पृथ्वी के साम्राज्य से दैत्य राज्य ही विशाल है। दैत्य साम्राज्य पृथ्वी पे नहीं है क्या? सब अलग अलग लोक हैं। यक्ष लोक अलग, गंधर्व लोक अलग, देवलोक अलग, और उस तरह दैत्य लोक और पृथ्वी लोक अलग अलग हैं। आज समझ में आया कि कितने राज्य हैं। और पिताश्री आपको कितना ज्ञान है। पुत्री अब तुम सो जाओ। स्वामी कहाँ गए आप? स्वामी क्या हुआ? स्वामी निंद्रा नहीं आ रही है। ऐसा क्या हो गया स्वामी? आप स्वस्थ तो है ना? हाँ महारानी, किंतु मन को चिंता ने घेर लिया है। चिंता? मेरे होते हुए स्वामी चिंता से मित्रता क्यों करते हैं? वह स्वयं ही अकस्मात आ गई है। जानू तो इस चिंता ने मेरे स्वामी को कहाँ घेरा है? प्रिये, आज आश्रम में गुरुदेव ने भविष्य की संभावनाओं के प्रति हमें सचेत किया। आपने सुना होगा, इंद्र और इंद्राणी गुरुदेव की पुत्री से मिलने के लिए आश्रम में गए। हाँ स्वामी। महारानी, उनका गुरुदेव के यहाँ आना मेरे विषय में कहीं ना कहीं कुछ जानकारी इकट्ठा करना भी तो हो सकता है। अवश्य ही देवराज मुझे पराजित करने का स्वप्न देख रहे होंगे, कदाचित योजना भी बना रहे होंगे। देवराज के अवश्य और कदाचित से ध्यान हटाइए महाराज। आपकी प्रियतमा अपनी स्वतंत्र चिंता से आपको मुक्त कराना चाहती है। कृपया आए और शयन करें मेरे साथ। गुरुदेव के होते हुए हमारे राज्य की सीमा को कोई भी लांग नहीं सकता। महारानी, एकमात्र वही तो है हमारी अभिलाषाओं के केंद्र बिंदु। ये प्रेम में क्यों होता है? गुरुदेव स्नान कर रहे हैं, हमें नित्य देर हो जाती है उठने में। गुरुदेव हमसे देर से सोते हैं और पहले उठ जाते हैं। कल से मैं भी शीघ्र उठूंगा, गुरुदेव से भी पहले। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भवा, उठ गए सारे? हम क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, जो आपके साथ उठ नहीं पाते। कोई बात नहीं, तुम तीनों पर उत्तरदायित्व भी कम है जबकि मुझ पर अधिक। किंतु गुरुदेव, अब तो दैत्य साम्राज्य अजय हो गया है। आपकी मृत संजीवनी ने उन्हें सर्वजयी बना दिया है। एकमात्र संजीवनी के सहारे
दैत्य कुल की रक्षा नहीं हो सकती है अष्टक। देवता बड़े ही चतुर होते हैं, वो अलग अलग अवसरों पर अलग अलग व्यवहार करते हैं। उनके पास हर स्थिति से हार जाने के बाद भी ईश्वर को अवतार लेने हेतु आह्वान करने का एक अवसर शेष रहता है। इसीलिए अनुसंधान के लिए अनेक योग वेदांतियों को आगे आना होगा। किंतु गुरुदेव, अनुसंधान के लिए आप जैसा मस्तिष्क भी तो चाहिए। नहीं मेघ, मस्तिष्क के आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है, हमारे प्रयास से वह विकसित होता है। किंतु गुरुदेव, इस संसार में अनेक ऋषि हैं और सबके आश्रम में अनुसंधान होता रहता है। इन सभी अनुसंधानों का परिणाम किसके उपयोग में आता है? मानव कल्याण के। हमारे श्रेष्ठ पितामह भृगु के आश्रम में मेरी प्रथम पत्नी गो से जन्मे चार पुत्र कई वर्षों से अपने अनुसंधान में तल्लीन है। मेरे पिता कवि के सौतेले भाई धाता और विधाता बहुत बड़े शोध करता है। पितामही पिलोमी से जन्मे तात चेवन भी संसार के स्वास्थ्य हेतु नित नए अन्वेषण कर रहे हैं। गुरुदेव, किसी सत्संग में महर्षि भृगु ने आपके पुत्रों को आपके समान ही प्रतिभाशाली बताया था। हाँ गुरुदेव, और कहा था कि दैत्य कुल के भावी गुरु उन्हीं में से कोई होगा। पितामह भृगु भविष्य वेता है, मैं उनकी घोषणाओं पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, जब तक देव सविता से संसार प्रकाशित होता रहे तब तक दैत्य देवताओं से श्रेष्ठ रहे। अवश्य ही ऐसा होगा। तुम तीनों नहा लो, अब मैं निकलता हूँ। जी गुरुदेव। गुरुदेव के और भी पुत्र हैं? तुम्हें अब तक पता नहीं है तो अब जानने की आस छोड़ दो। वैसे भी संसार में अनेक ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में ना तुम्हें पता है और ना ही आगे पता चल पाएगा। रे सांकृति, पूछता हूँ तो बता दो ना। सात बार तो मैंने इसे गुरुदेव का अतीत बताया है, किंतु मेघ भैया भी ना उनमें से है जो जानना तो सब चाहते हैं किंतु जान नहीं पाते। चलो अब डुबकी लगाओ। वैसे भी आश्रम में देव से पहले मुझे गुरु के आसन पर बैठना है। कैलाशपति विश्वनाथ मालिने। ये प्रेम में क्यों होता है? ओम सूर्याय नमः। बहुत बोल रहे थे किंतु अब तक आए क्यों नहीं? तू उनकी छोड़ अपना देख, वो हमसे अधिक अनुशासित हैं। हमारे उठने से पूर्व उनका बहुत अभ्यास हो जाता है। और क्या, वे लोग तो मालिनी तट पर ही कर लेते हैं अभ्यास। अभ्यास करते समय बोलते नहीं, चलो अभ्यास करो। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। तथा हिरण्यगर्भाय नमः। आज कुछ कम मंत्र भी तो पढ़ सकते हैं। क्यों, तुम्हें कहीं प्रवचन देना है क्या, या किसी महर्षि से शास्त्रार्थ है? मुझे गुरुदेव का अतीत बताते समय आपको आश्रम जाने की शीघ्रता थी। अरे तुम एक सूर्य नमस्कार यही हो सकता है। क्यों, भगवान सूर्य हमारे साथ साथ आश्रम नहीं चलते क्या? अब तुम लोग शांत हो जाओ, चलो नमस्कार करो। मुझे वैसे भी विलंब हो रहा है, गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मरिचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम आकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब हो गया सूर्य नमस्कार।
इन 12 मंत्रों का योग के साथ अभ्यास करने से तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद हमें माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। पौधों को जल भी देना चाहिए। पुष्पों और फलों को लताओं और वृक्षों से हमें मांगकर तोड़ना चाहिए। ये सब तुमको किसने बताया? तुमने। तब मुझे ही बताने दो ना। हाँ, अब हम गुरु पूजा करेंगे। अर्थात आपकी पूजा? अरे नहीं, गुरु वो होता है जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है। ऐसा कौन है? गुरुदेव, महाश्री भृगु। अब पहेलियां मत बूझो, हमारा गुरु सद्गुरु है। ईश्वर को ही गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें इस जन्म में, पूर्व जन्म में और अगले जन्म में सच्चा मार्ग दिखाता है। अष्टक भैया तो बोल रहे थे कि ईश्वर कुछ नहीं करते, जो अपने भाग्य में लिखा होता है वही होता है। भाग्य कौन लिखता है? कुछ तो बताया था उन्होंने। हाँ, ब्रह्मा देव लिखते हैं भाग्य। तुम दोनों जाकर अब पौधों की सिंचाई कर दो और हो सके तो अपनी कुटिया चले जाना, क्योंकि अब तुम दोनों बहुत बड़ी गुरु बन चुकी हो। अच्छा, नहीं बोलते हम। और अब हम गुरु पूजा शुरू करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। अब सुबह का कार्यक्रम पूरा हो गया, अब आप सब अपने अपने घर जाकर उपहार ग्रहण कर लो। इस बीच जो पौधे जल स्रोत से दूर हो उन्हें जल भी दे देना और अपने दैनिक कार्य भी निपटा लेना, थोड़ा विश्राम भी कर लेना और तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। ठीक है। अरे सुनो तो, बिना मुझे प्रणाम किए जा रहे हो? मैं तुम्हारे गुरु हूँ ना। अब हम जाएं गुरुदेव? हाँ, अब जा सकते हो। अभी तुमने कहा कि गुरुदेव ईश्वर है और अब स्वयं को ही प्रणाम करवा लिया। अरे घोड़निका, तू देव की बातों में आएगी तो तू घोड़निका ही बनी रह जाएगी, क्योंकि देव तुझे गोल गोल घुमाती रहेगी। इसलिए अच्छा है देव जो कहे उसे मान लो। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी थोप देती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कहने आया हूँ, चलो उपहार ग्रहण कर लो, क्योंकि हमारे गुरुदेव आपके बिना उपहार ग्रहण नहीं करते। ठीक है ठीक है। तुम दोनों मुझे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुम दोनों अपनी कुटिया में जाओ और उपहार ग्रहण कर लो। ठीक है, हम जाते हैं। आप यहाँ हो तो उपहार कौन तैयार कर रहा है? हमने राजमहल से रसोइये को बुलाया है, वही तैयार कर रहा है उपहार। अच्छा, चलकर देखती हूँ कितना बड़ा रसोईया आया है। संकृति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, कोई भी काम ठीक से नहीं होता उसको। अभी देव को बुलाने के लिए भेजा था, अब उसे कोई बुलाने के लिए जाए तब वो आ पाएंगे। हम आ गए अष्टक। देव, वो देखो हमारे रसोइये। अग्रज बता रहे थे कि राजमहल से रसोईये बुलाए गए, तो आप हैं राजमहल से बुलाए गए रसोईये? अरे पुत्री, मैं तो तुम्हारा दैनिक रसोईया हूँ, तुम्हारे लिए व्यंजन तैयार करना ही मेरा प्रथम कार्य है। अच्छा। सच पूछो तो संजीवनी प्राप्त करने के उपरांत मेरे जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। संजीवनी व्यक्तिगत मेरे किसी काम नहीं आई, किंतु उससे मेरे उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाह हो गया। परंतु उस संजीवनी से अधिक मूल्यवान मेरी ये संजीवनी, इस संजीवनी ने मुझे संतुष्ट कर दिया। गुरुदेव, पेट में मूषक राज दौड़ रहे हैं। हाँ गुरुदेव, आप रसोई के काम में दक्ष नहीं है,
इसलिए तो मैं करता हूँ ये कार्य। अच्छा बैठो, फलाहार ग्रहण करो। तैयार करूंगी। तुम बनाओगी संध्या का भोजन?